मुजफ्फरपुर के एक शिक्षक ने गुरु और शिष्या के बीच के रिश्ते को तार तार कर दिया है। कासिम नाम के शिक्षक ने मर्यादा की सीमा को लांघ दिया। बताया जा रहा है कि कासिम नाम का टीचर कई छात्राओं के साथ बेड टच करता रहा। कासिम पर आरोप है कि पहले भी उसने कई लड़कियों के साथ बदतमीजी की थी। इधर कासिम ने एक छात्रा के साथ बेड टच किया। पीड़ित छात्रा ने इसकी शिकायत रो रो कर अपनी माँ के साथ की। बाद में पता चला कि कासिम 5 लड़कियों के साथ 1 महीने से बेड टच कर रहा था। ये जानकारी सामने आने के बाद अभिभावक उग्र हो गए और स्कूल पहुंचकर जमकर हंगामा किया, लेकिन तब तक आरोपी कासिम मौके से फरार हो गया। ये बच्ची आई हमको बोले हुए से, मम्मी हमारे सर पैंट में हाथ डाल दिए। हम ये रोती हुई आई थी। हम फिर गए स्कूल में, सर के बोले से, एक सर थे, नाम हम नहीं जानते हैं, लेकिन हम बोले सर के से ऐसे ऐसे हमारे बच्ची के साथ आप लोग किए हैं। एक सर आ थे, वो हाथ धा के ले गए, बोले पूछे से क्या हुआ बेटा, ये बताई। बहुत रो रही थी। ये हम मारने के लिए धीरा है, हम बोले जब मारेंगे आपको भी, लड़की हमारी लड़की के साथ आप पहले ऐसे किए। तो सर बोले कि ये बात के लिए कल आइए, कल होगा। कल हम गए, सर तो ठीक थे, तबीयत नहीं खराब था, वो आते थे। कल आज गए ना सारे गांव वाला के लेके, बस सर को सुने कि तबीयत खराब है, वो नहीं आ जाए। बोले हम कौन सर, कासिम नाम है उतना तो हम, करते थे। हाँ हम तो उतना नाम जानते ना, स्कूल में जाते थोड़ी है कभी। जब जाने लड़कियों के साथ ऐसा घटना हुआ है, ऐसे हुआ है एक हमारी लड़की की, एक दिन हुआ है तो हमको ना बताइए। फिर दूसरा का दिन सर ऐसे किए हैं, तो बच्चे लोग के बोली है से गे हमारा साथ ऐसे ऐसे हो ले। फिर ये वो बच्चे लोग बोली है से चुप रह, ऐसे काम ना चलता, तू मम्मी के चल बताइए। फिर रोते हुए आई, बहुत रो रही थी। इस कोरोना से हमको भी रो रही हो गई, इतना रो रही थी मम्मी के हमारा सर ऐसे ऐसे किए हैं। तो लेके हम गए थे, दो गो लेडीज एक आरो है, मेरी गांव स्कूल का मामला है, पीरापुर है, आश्रम पे स्कूल है। वहीं अभिभावकों का गुस्सा भड़कने के बाद किसी तरह उन्हें समझा बुझा कर मामले को शांत कराया गया। वहीं एसडीओ पूर्वी अमित कुमार ने बताया कि उनके संज्ञान में ये मामला आया है। कुमार ने भरोसा दिलाया कि मामले की जांच कर दोषी के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। हाँ, ऐसा मामला प्रकाश में आया है, तो इससे संबंधित उसकी जाँच कराते उसकी कार्रवाई की जाएगी। तत्काल उससे संबंधित जो भी अधिकारी है उनके पास खबर है और उस पर नजर रखते हुए जैसा भी इस कांड में शामिल टीचर को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि सभ्य समाज में किसी भी मासूम बच्चे के साथ इस तरह के व्यवहार को स्वीकार नहीं किया जा सकता। पंजाब केसरी टीवी के लिए मुजफ्फरपुर से संतोष तिवारी की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।